बाजार बोलता है एफआईएस, या इसका डेटा देख लेते हैं कि कल एफआईएस ने किस तरह का ट्रेड किया इंडियन मार्केट में और कितनी बिकवाली की है। तो एफआईएस तो लगातार बेच ही रहे हैं और $8 बिलियन की बिकवाली उन्होंने करीब अक्टूबर महीने में ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन ये और बढ़ा दी उन्होंने। कल 7421 करोड़ रुपये की सेलिंग कर दी है, यानी कि लगभग उनकी जो सेलिंग है अब अक्टूबर महीने में $8.5 बिलियन को पार पहुंच चुकी है। हालांकि DIs पूरा सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, करीब 5000 करोड़ की बाइंग कल DIs ने इंडियन मार्केट में की है, तो दबाकर बाइंग हो रही है DIs की तरफ से। लेकिन आज ग्लोबल इंडिसीज किस तरह से हैं और किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, एक बार उन पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स में तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डेटा पॉइंट्स ठीक आ रहे हैं, रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। वहाँ पर करीब 4.5% से ज़्यादा की बढ़त देखने के लिए मिली डाउ में, शंघाई में आज करीब 0.5% का उछाल है, हैंसेंग में करीब 1% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है, येन जबकि 150 के लेवल पर आ चुका है, उसके बावजूद भी निकाई में एक फ्लैटिश रुझान देखने के लिए मिल रहा है, कोस्पी में करीब 0.25% से ज़्यादा की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं मिक्स संकेत हैं एशियन मार्केट से। चाइना जो कि स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर कल एक प्रेस ब्रीफिंग भी होने जा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें कि कुछ हो सकता है कि पैकेजेस वगैरह दिए जाए। कल में भी एक ब्रीफिंग हुई थी वहाँ पर हाउसिंग सेक्टर को लेकर, जहाँ पर कि मोर्गेज को लेकर कुछ पैकेज दिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन वो बाज़ार को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स इंडियन मार्केट में कौन से हैं, जहाँ पर कि रुझान बना हुआ है ऑन द पॉजिटिव साइड। तो उस पर पहला काउंटर है तेजस नेटवर्क, जहाँ पर 7.5% की तेजी देखने के लिए मिली है। पारादीप फॉस्फेट करीब 5% ऊपर है। विप्रो रिजल्ट्स प्लस बोनस उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। पीडीलाइट करीब 4% ऊपर है रिजल्ट से पहले, साथ ही एक्सिस बैंक करीब 4% ऊपर आ चुका है। यहाँ पर रिजल्ट्स ठीक आए हैं कंपनी के और कमेंट्री भी ठीक है, तो उसका एक इम्पैक्ट काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं, तो उसमें इन्फोसिस का नाम काफ़ी तेज़ी से आएगा आज, लेकिन मन्नापुरम, MGL, IGL, अरे वाह, इन्फोसिस तो अभी टॉप लूजर्स में आ ही नहीं पाया टॉप 5 में, क्योंकि यहाँ पर बाकी शेयर इतनी तेज़ी से गिर गए हैं। मन्नापुरम यहाँ पर जो RBI ने कुछ एक जो NBFCs को बैन किया है, उसमें मन्नापुरम की एक सब्सिडी है, जिसका इम्पैक्ट मन्नापुरम पर आ रहा है, 15% के काउंटर नीचे है। MGL, IGL इन पर एक बड़ी खबर है, क्योंकि गेल ने इनको गैस सप्लाई कट की है 20 से 21% दोनों ही कंपनीज की, तो इसलिए आज इन दोनों ही काउंटर्स पर एक गिरावट तेज देखने के लिए मिल रही है। LTIM इसके कल नतीजे आए, नतीजों का इम्पैक्ट 5.25% की गिरावट के साथ देख रहा है। 361 यहाँ पर करीब वो करीब 5% की गिरावट इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रही है। लेकिन कुछ एक खबरें जो कि हम जिन पर फोकस करेंगे, सबसे पहले ECB, जहां पर कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कल तीसरी बार 2024 में ब्याज दरों में कटौती की है। अगर हम देखें तो डिपॉजिट रेट 3.5% से घटाकर 3.25% कर दिए हैं। अगर हम देखें तो ECB ने पिछले 13 साल में ये पहली बार हुआ है कि इतने एग्रेसिव रेट कट लिए हैं, और लेकिन उनकी एक कमेंट्री है, कमेंट्री में वो श्योर नहीं है कि आने वाला समय कैसा होगा, क्या इन्फ्लेशनरी प्रेशर दोबारा लौटेंगे और क्या इंटरेस्ट रेट कट होंगे या नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अभी तो 3 रेट कट कम से कम यूरोपियन मार्केट ने देख ली है, और उसका एक इम्पैक्ट हमने कल यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग में भी देखा। दूसरी बड़ी खबर अगर हम देखें तो IGL और MGL को लेकर है, जिस पर हम बात भी करेंगे। CNG कीमतें 5 या 6 रुपये किलो बढ़ाने पड़ सकती हैं, क्योंकि जो गेल ने दोनों ही कंपनियों की गैस सप्लाई कट कर दी है। IGL की सप्लाई करीब 21% और MGL की करीब सप्लाई 20% कट की है, और ये जो सप्लाई है ये APM गैस की है। एडमिनिस्ट्रेट प्राइस जो होता है वो थोड़ा सस्ता मिलता है, वो अगर आप मार्केट से लेंगे या इंपोर्ट करेंगे तो वो प्राइस लगभग डबल होता है। तो जो गेल जिस प्राइस पर दे रहा था इनको गैस वो सस्ती थी, और उसी की सप्लाई 20% कट कर दी है, तो इनके जो मार्जिन हैं, इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। 16 अक्टूबर से जो सप्लाई है वो कट की गई है। रुचित जी कैसे देख रहे हैं IGL, MGL और गेल तीनों काउंटर्स को? IGL, MGL पे तो क्लियरली एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। आज गैप डाउन भी हुआ और गैप डाउन के बाद में भी जो सेलिंग हाई है उसमें काफी वॉल्यूम में सेलिंग स्टॉक में हुई है। सो आई थिंक नियर टर्म में स्टॉक में जब तक थोड़ी और क्लैरिटी नहीं आ जाती है कुछ, तो आई थिंक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कोई भी पुल बैक मूव पे कंटिन्यू रहेगा। सो फिलहाल तो यहाँ पे बॉटम फिशिंग करने की कोई सलाह नहीं है।
गेल के चार्ट स्ट्रक्चर्स देखे तो आई थिंक क्लोजिंग बेसिस आज काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे भी है तो वीकली चार्ट्स पे क्लोज रहेगा। अगर 216-218 का रेंज है जो सपोर्ट जोन है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, सो आई थिंक तब तक ज्यादा नेगेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं है, मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज में ही स्टॉक है। बट अगर 216 के नीचे के अगर क्लोज हम ये वीकली स्ट्रक्चर्स पे देते तो फिर नियर टर्म प्रेशर गेल में भी आ सकता है। बिल्कुल, तो सर क्या टारगेट्स लेकर चले अभी गेल के लिए? So, फिलहाल तो 216 से लेके 232 के आसपास रेजिस्टेंस रहते हैं, यही रेंज है। ये रेंज में से जो भी साइड ब्रेकआउट आएगा फिर कोई डायरेक्शन में उस स्टॉक में एक्सपेक्ट कीजिएगा। जी, एक और खबर जो एनबीएफसी बैन की गई हैं आरबीआई की तरफ से, उसमें एक मन्नापुरम का भी नाम आ रहा है, उनकी जो सब्सिडरी है उसका नाम आ रहा है सर। कैसे देख रहे हैं सर मन्नापुरम फाइनेंस को? फिलहाल तो आज का रिएक्शन तो काफी नेगेटिव है और डेफिनेटली न्यूज नेगेटिव है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में एक्सपेक्ट करने चाहिए। सो फिलहाल कोई बॉटम फिशिंग करने की सलाह नहीं है, ऑल्दो प्राइस नो हाई लेवल से काफी ब्रेक हुआ है। मैं थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे देखता हूँ तो 134-135 के आसपास मेजर सपोर्ट स्टॉक में आ सकता है, जहाँ पे मंथली चार्ट्स पे 89 EMA है। सो अगर इनकेस आने वाले फ्यूचर में ये स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस में 134-135 के आसपास आता है तो वहां पे स्टॉक को कुछ बॉटम फिशिंग करना है, काउंटर ट्रेड्स लेना है तो उधर रिव्यू करना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ जी सुनीता चौधरी जी पूछ रही हैं, जागरण प्रकाशन इन्होंने लिए हैं सर 40 रुपये के, कुछ 500 शेयर हैं, क्या करें, इनके 2 ईयर तक ये रख सकती हैं? तो होल्ड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। एक तो आपकी बाइंग प्राइस काफी अच्छी है तो आपके पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि स्टॉक कुछ समय के कंसोलिडेशन भी देखे तो कुछ इश्यूज नहीं है। 83-80 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिलहाल तो स्टॉक के सपोर्ट जोन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 80 रुपए के नीचे आप अपने पोजीशंस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, आई थिंक अगर 80 का लेवल ब्रेक होता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कीजिए, अदरवाइज क्योंकि आपके पास समय है 2 साल का तो न्यू स्टॉक में आप करंट लेवल्स पे तो बने रहने की सलाह रहेगी। जी आदित्य कुमार जी का सवाल है, CDSL लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री कर सकते हैं क्या सर? बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए, स्टॉक पिछले कुछ समय में ऑलरेडी एक तेजी काफी हो चुकी है। सो यहाँ पे जब भी मोमेंटम रीडिंग्स के कूल ऑफ पीरियड आते हैं, चाहे प्राइस वाइज करेक्शन हो या टाइम वाइज करेक्शन हो, वैसे करेक्टिव फेजेस में स्टॉक में एक्यूमुलेट करिए। नो डाउट मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है CDSL का, हमने रिसेंटली भी एक्स बोनस जब हुआ था स्टॉक में 1650 के आसपास से करेक्शन देखा था, जब 1350 के लो स्टॉक में बनाए थे। सो ऐसे जब करेक्शन आते हैं तो करेक्शन पे स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। बिल्कुल, एक हमारे दर्शक हैं दीपक जुगाट जी, ये पूछ रहे हैं महिंद्रा इन महिंद्रा पर, इनके पास कुछ शेयर हैं सर 2722 रुपये के, और LT फूड भी पड़े हुए हैं इनके पास। पहले मैं M&M पर सवाल लेना चाहूँगा सर, 2722 क्या करना चाहिए फॉर द लॉन्ग रन? होल्ड कीजिए स्टॉक को, शॉर्ट टर्म करेक्टिव फेज है ऑटो स्पेस में, क्योंकि काफी एक बड़ी तेजी ज्यादातर ऑटो नेम्स में हो चुकी थी। सो इसीलिए आई थिंक एक अपट्रेंड का करेक्टिव पार्ट है, पर ऐसे कोई साइंस नहीं कि स्टॉक टॉप बना चुके और यहाँ से कुछ नो सिग्निफिकेंट ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। सो आई थिंक ये करेक्टिव फेजेस में लो लेवल से फिर से आपको बाइंग इंटरेस्ट M&M में आते हुए देखेंगे, 2800 के आसपास स्टॉक में मेजर सपोर्ट है, तो आप थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो M&M में और आउट परफॉर्मेंस आगे चल के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। LT फूड्स में सर लॉन्ग टर्म के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखे, 407 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, तो स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। रीसेंट करेक्शन जो आया था उसमें 370 का एक अच्छा सपोर्ट बेस स्टॉक ने बनाया है, सो आई थिंक एक कंसोलिडेशन फेज में फिलहाल तो जहाँ पे 370 का सपोर्ट है 440-450 एक रेजिस्टेंस जोन है, बट 370 का लेवल अगर इंटैक्ट रख देता है सो आई थिंक तब तक आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है स्टॉक में, तो 370 के नीचे स्टॉप लॉस रख के पोजिशंस में बने रह सकते हैं। जी राजीव जी का सवाल है सर बजाज ऑटो पर, बजाज ऑटो में क्या करें, इन्होंने कल की गिरावट में कुछ परचेज कर लिया था 10,500 के आसपास, लेकिन अब 10,032 आ गया, कुछ रिकवरी हो सकती है क्या इस मंथ के एंड तक? ज्यादा डिपेंड करेगा आपकी पोजीशंस ट्रेडिंग के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ट्रेडिंग के पोजीशंस है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा भी स्टॉक हो आपको स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब मोमेंटम नेगेटिव टर्न होता है तो वो अंडर परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में रह सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स इतने खराब नहीं है, बट अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो पिछले 1 साल में स्टॉक में काफी अच्छा रनअप ऑलरेडी आ चुका था,
अगर आप अक्टूबर 2023 हम अक्टूबर 2024 में अक्टूबर 2023 में देखें तो स्टॉक 5000 के आसपास चल रहा था और एक साल में और 5000 वाला स्टॉक 12500 तक हो गया था। सो ऑलमोस्ट हम 130-140% की जंप स्टॉक में ऐसे लार्ज कैप स्टॉक में एक साल में ही हो चुकी थी। सो जब इतने ओवरबॉट सेटअप्स होते हैं तो कोई भी नेगेटिव न्यूज के लिए जगह नहीं रहती और कुछ भी नेगेटिव न्यूज फ्लोज आती है तो वहां पे वो पोजिशंस के अनवाइंड हो सकते हैं। यही हमने कल बजाज ऑटो जैसे स्टॉक में देखा कि जहाँ पे नो मैनेजमेंट की कमेंट्री इतनी पॉजिटिव नहीं थी तो उसके चलते हुए हमने प्रॉफिट बुकिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग का है वो हमने यहाँ पे देखी है। सो यहाँ पे आई थिंक नियर टर्म के ये कंसर्न्स रहेंगे स्टॉक में। सो शॉर्ट टर्म में आप कोई बड़ी अप मूव स्टॉक में एक्सपेक्ट ना करें, कुछ भी ऐसे पुल बैक मूव में आपके कॉस्ट के आसपास भी शायद आ सकता है। एक बार तो कॉस्ट के आसपास आता है 10500-10600 का भी हर्डल देखा जाएगा। सो वहां पे अगर ट्रेडिंग पोजिशन है तो निकलने की कोशिश करें, बट लेकिन हाँ अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है आप नेक्स्ट 2 साल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये जिस करेक्शन अप ट्रेंड के पार्ट है सो आप लॉन्गर टर्म का नजरिया तो आप स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। मेजर सपोर्ट स्टॉक में 9400 से 9500 के रेंज में प्लेस है जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद नदीम जी। नदीम साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, देखिए सर एनबीसीसी की क्वांटिटी है 425 और बाइंग है 117 और दूसरा शेयर है इरेडा, क्वांटिटी है 215 बाइंग है रेट 232। जानना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म व्यू के लिए रुकना सही है या निकल जाना सही है या एवरेज करूँ। बिल्कुल, पहले इरिडा पर ले लेता हूँ सर। 232 रुपए के भाव के हैं रुचि जी इनके पास कुछ शेयर, क्या करें सर? दोनों ही स्टॉक पीएसयू नेम्स है और हम पीएसयू नेम देख रहे थे लास्ट 3-4 महीने से कुछ एक करेक्टिव फेज में चल रहे हैं। सो अभी भी यहाँ पे कोई साइंस नहीं है कि करेक्शन यहाँ पे एंड होके आपको एक जो अप ट्रेंड हमने लास्ट 2023 में देखा था वैसे अपमूव आपको फिर से जल्दी देखने को मिलेंगे। बट आपने दोनों स्टॉक्स जो आपके पास है वहां पे प्राइस वाइज भी ज्यादा कुछ करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं कि प्राइस वाइज कुछ डाउन साइड रहेगा। सो मेरे ख्याल से ये कंसोलिडेशन फेज है। आपकी वैसे क्वेरी में आपने बताया कि वो लॉन्ग टर्म के नजरिया है तो मेरे ख्याल से आप बने रहे, एवरेज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आई थिंक ये पॉइंट पे आपको सर पेशेंस रख के आपकी जो पोजिशन है उन्हीं में बने रहे, बाकी नई पोजिशन ना ही एड करने की जरूरत है ना ही आपके पोजिशन पे यहाँ पे लॉसेस बुक करने चाहिए। बिल्कुल, और सर दूसरा एनबीसीसी पर आपका व्यू? दोनों पे मेरा सेम व्यू रहेगा, इसीलिए मैंने एज अ पीएसयू थीम में दोनों स्टॉक्स में कवर कर लिए। ठीक है, एक दर्शक है हमारे भावेश अहिर जी, ये पूछ रहे हैं सर जेके टायर 6 मंथ्स के लिए क्या करें, 101 शेयर है, भाव 348 रुपये का है। आज सीएट के रिजल्ट्स का भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिला सर, मॉर्निंग में सीएट काफ़ी तेजी से नीचे गिरा, सारे ही टायर स्टॉक्स गिरे लेकिन रिकवर भी हो गए, अभी जेके टायर में क्या करना है सर? एक ब्रॉड कंसोलिडेशन है, आप अप्रैल या मई महीने से देखेंगे तो स्टॉक में जब भी ऊपर हाई लेवल्स पे 450 के आसपास आया तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर दिखा है और नीचे 350-360 की रेंज में सपोर्ट रेंज है। तो फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि खास ट्रेंडेड फेज रहेगा, बट जस्ट बिकॉज हाई लेवल से करेक्शन हो गया है हम फिर से वो लोअर एंड के आसपास आ गए हैं, इसीलिए एक बार आप पुल बैक मूव के लिए वेट कीजिए। बट कोई बड़ी तेजी के साइंस स्टॉक में नहीं है। सो अगर शॉर्ट टर्म के पोजिशन है तो हाई लेवल्स पे आप जब पुल बैक मूव आते हैं तो वहां पर निकल सकते हैं। लॉन्गर टर्म का नजरिया है तो अगर नेक्स्ट 2-3 महीने शायद मे बी कुछ रिटर्न स्टॉक में नहीं बन पाए और एक बार ये अपना टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट होगा फिर ये स्टॉक में वापस से अप ट्रेंड के रिजम्पशन हो सकते हैं। 350-360 ध्यान रखिए एक मेजर सपोर्ट बेस ये स्टॉक बना सकता है, तो उसके नीचे फिलहाल जाता हुआ स्टॉक नहीं नजर आ रहा है। सो अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो स्टॉक में पोजिशन बने रहे, बट शॉर्ट टर्म में कोई गेन्स या कोई बड़ी तेजी स्टॉक में एक्सपेक्ट ना करें जी। एनबीसीसी पर नीरज झा जी भी पूछ रहे हैं, झा साहब आप वीडियो स्क्रॉल करके देख लीजिए, सवाल का उत्तर ऑलरेडी दे चुके हैं सर। सोनी कुमारी जी का सवाल ले लेता हूं, गुड मॉर्निंग सर जी, बिग फैन ऑफ मनी नाइन, थैंक यू मैम। एंड उनका सवाल है वेदांता पर, इन्होंने सर 226 रुपये पर कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका? होल्ड करने की सलाह रहेगी आई थिंक। एक तो सबसे अच्छा बाय चीज तो इनका बाइंग प्राइस है, ये लोअर लेवल्स की बाइंग प्राइस है तो यहाँ पे थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है कि छोटे मोटे करेक्शंस में ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अब स्टॉक एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बना रहा है और पिछला जो हायर बॉटम स्टॉक ने बनाया था वो 425 के आसपास था, 425 के आसपास। सो आई थिंक ये स्ट्रक्चर जब तक कंटिन्यूड है तब तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी लॉन्ग टर्म की पोजीशंस है उस पर 425 के सपोर्ट है तो समवेयर 420 के नीचे आप अपने पोजीशंस पे स्टॉप लॉस लगाए और स्टॉक में बने रहे जी। नूर नज़ीर जी का सवाल है, बेनिन से आपका रोज शो देखता हूँ, थैंक यू नदीम नज़ीर जी। अदानी पावर के इन्होंने सर कुछ शेयर लिए हुए हैं 758 रुपये के प्राइस के, क्या करना चाहिए, 1 साल का व्यू है इनका?
फिलहाल तो ट्रेंड इतना पॉजिटिव नहीं है अडानी पावर में, सो मेरी यहाँ पे सलाह रहेगी कि आप नो कोई सेम सेक्टर में चाहे तो टाटा पावर बेटर ऑप्शन दे सकते हैं, जहाँ पे अपने पोजीशंस में शिफ्ट कर सकते हैं। सो अडानी पावर एज ऑफ नाउ तो ट्रेंड इतना पॉजिटिव नहीं है, टाटा पावर सीईएससी आई थिंक ये दो बेहतर विकल्प हो सकते हैं मिड टू लॉन्ग टर्म में, जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है। जी संतोष जी का सवाल है, अदानी पोर्ट्स पर सर कुछ शेयर लिए हुए इन्होंने, 1450 के थोड़ा नीचे आ गया काउंटर, अब क्या करना है? होल्ड करें स्टॉक को, यहाँ पे आई डोंट थिंक आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है। स्टॉक में जो भी करेक्शंस हमने पिछले 3-4 महीने में देखे उसमें ऐसे कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। सो आई थिंक जब वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं होती है तो जब भी ये स्टॉक में कुछ बाइंग मोमेंटम आएगा तो फिर से आप एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो जो सपोर्ट बेस्ड स्टॉक में इमिडिएटली ये करेक्शन में बनाए वो 1340-1350 की रेंज में है, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक में, सो आप पोजिशन में बने रहे। जी एक हमारे दर्शक हैं विनोद जैन जी, ये पूछ रहे हैं IFCI में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे इतनी क्लैरिटी नहीं है फ्रेंकली, कुछ न्यूज बेस्ड मूव्स हमने रिसेंटली देखे थे बट स्टॉक में कोई सस्टेनेबल अप मूव नहीं आ रहा है। स्टॉक 57 रुपए का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 57 से 56 के आसपास जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है। सो मैं फ्रेश बाइंग की तो सलाह नहीं रहेगी क्योंकि ट्रेंड इतना पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा है, बट बिकॉज ये सपोर्ट के आसपास है तो आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो उस पर आप 55 के नीचे के स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जी अनीता गर्ग जी पूछ रही है सर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पर एवरेज कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस नहीं बताया। सो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें, इन केस कभी नो सेलिंग में या पैनिक में आपको ये स्टॉक 35 रुपए के आसपास मिलता है 35-36 की रेंज में, तो वो अच्छे लेवल्स रहेंगे स्टॉक में एवरेजिंग के लिए। सो यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर है तो होल्ड कर सकते हैं, ऐसे ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर ज्यादा खराब नहीं है, बट जो मेजर सपोर्ट में वीकली मंथली चार्ट्स पे देख रहा हूँ वो 33 से 36 की रेंज में है। सो 33 से 36 की रेंज में आता है तो वो लेवल्स पे आप स्टॉक में आप एवरेजिंग करने के लिए देखें। भूसा पारिक जी का सवाल है, E2E में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या सर? SME स्टॉक है आई थिंक, और सर्किट टू सर्किट मूव होता है तो उसके ऊपर मेरी कुछ आइडिया नहीं है सर। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। संदीप पंचारिया जी का सवाल है, TBZ इस पे क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? ज्वेलरी स्टॉक्स में हमने पिछले कुछ समय में एक अच्छा मूव देखा है, TBZ ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है बट लेकिन जो सपोर्ट है स्टॉक में 260 के आसपास है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 260-265 में स्टॉक मिल जाता है तो वहां पे बाइंग के लिए फेवरेबल रहेंगे, जहाँ पे आप 235 के नीचे स्टॉप लॉस रख के फिर खरीदारी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस भी है तो उसपे भी स्टॉप लॉस 235 के आसपास ही आ रहे हैं।